नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर के ही नहीं मुंबई के भी अब जाने माने सिंगर, कंपोजर एंड राइटर दिव्यांश मेहता जी से, जिन्हें लोग प्यार से काके भी कहते हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट कैसे आया? म्यूजिक में इंटरेस्ट घर से ही आया। घर में बहुत अच्छा माहौल मिला म्यूजिक का। आई एम थर्ड जनरेशन जो म्यूजिक जानता है, ओ, म्यूजिक करता है मेरे जी घर जी में। जी मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरे यानी मदर। विरासत में म्यूजिक मिला हाँ है जी, आपको? विरासत जी में म्यूजिक मिला है, तो कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि कब म्यूजिक में मैं आया। मम्मी पापा घर पे रियाज करते थे, तो उनको सुन के रिपीट करना, उनको सुनना, गाने की कोशिश करना। तो वैसे जी ही फ्रॉम द एज ऑफ 3 और 4 मैं स्टेज पे भी अपने फादर के साथ गाने लगा था और घर पे भी गाता ही था। यानी पूरा घर का माहौल ही एक म्यूजिक वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, जी, बहुत अच्छा एक माहौल मिला मुझे। तो ये बताइए कि ऐसा कब लगा कि इसे एज ए करियर चूज करना चाहिए? मेरा एक बैंड था रुतबा नाम से, जब मैं 13-14 साल का था। ओ, इतने शुरू में ही आपका बैंड हाँ, था? और हम खुद स्कूल में थे और जी हम कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करते थे, जी और जो कॉलेजेस के बैंड कॉम्पिटिशन्स होते थे या जी पेड शोज होते थे, तो वो हम लोग जाके करते थे। और काफ़ी लोकप्रिय बैंड था हमारा। तब से जब स्टार्ट किया, पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया, बट हमेशा से एक रुझान म्यूज़िक की तरफ रहा। और कब एक क्या कह सकते, एक पैशन प्रोफेशन बन गया वो समझ नहीं आया। जी, तो मुश्किल तो बहुत है क्योंकि काफी पहले आपने काम शुरू कर दिया था म्यूजिक फील्ड में, लेकिन फिर भी पहला आपका जो शो रहा हो उसमें कौन सा, आपने क्या गीत गाया था? मैं ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है जी, मेरे मुझे भी लिए लग अभी, रहा है क्योंकि काफी साल क्योंकि पहले की बात है। कोई बहुत बात पहले की नहीं, बात है। आप ये बताइए कि आपका फेवरेट है कौन सा सॉन्ग? मेरा फेवरेट सिंगर है मेरे के साहब, रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है अभी, और उनका एक बहुत ही डीप और एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहा मेरी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं मेरे म्यूज़िक स्टाइल में, मेरी गायकी के स्टाइल में भी उनका एक इम्पैक्ट दिखता है, उनका एक इन्फ्लुएंस दिखता है। तो उनका एक बहुत ही अंडर रेटेड एंड अंडर अप्रिशिएटेड गाना है, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। बहुत खूबसूरत गीत है ये तो। जी, सुनाइए दो लाइनें। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी और चलिए। बहुत ही शानदार, मतलब आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है थैंक सीधे यू सो मच। जी, और गीत भी बहुत ही प्यारा है। ये बताइए कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि काम मिलना इतना आसान तो नहीं होता मुंबई जैसे शहर में। स्ट्रगल काम सीखने में करना पड़ा। जी जब मैं नया नया 2015 में मुंबई गया था, तो जी मैं एक ब्लैंक स्लेट के जैसा था, मुझे कोई कुछ भी पता नहीं था। बस एक जबलपुर जैसे शहर का लड़का जो मुंबई चला गया है, उसकी जी कोई ज़्यादा पहचान भी नहीं है, ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है। जी तो मुझे समय लगा समझने में कि काम कैसे आता है या काम कैसे करते हैं। कई बार ऐसा होता था कि लोगों को काम पसंद नहीं आता था, पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वहाँ लोग बताते थे कि तुम वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ओके तो काम सीखने में काफ़ी जी यही स्ट्रगल था, बट जैसे जैसे समझ आ गई कि काम कैसे किया जाता है, और जब मैं खुद अपने काम में अच्छा हो गया, वैसे वैसे काम भी बढ़ने लगा। जी तो कहीं कभी कोई डर लगा हो कि मैं अकेले मुंबई जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे काम मिलेगा नहीं, ऐसा कभी मन, या कभी वापस आने का मन किया हो, हताशा एक जो कहते हैं? सेल्फ डाउट्स तो हमेशा ही रहते हैं, और आर्टिस्ट की लाइफ में सेल्फ डाउट हमेशा ही रहता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप जब तक अपने काम पर डाउट करते रहोगे, आप जी ग्राउंडेड रहोगे जी और आप अपने काम से ट्रू रहोगे, तो डाउट्स होते थे, लगता था कि होगा कि नहीं होगा, कभी कभी लगता था कुछ और काम कर ले क्या, या एज एन एजुकेशन मैंने जर्नलिज्म परस्यू किया है, तो कभी कभी ये भी लगता था क्या जॉब करना बिल्कुल या म्यूजिक करना ये सही डिसीजन है कि नहीं है। जी बट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ये समझ में आता था कि अगर म्यूजिक नहीं किया तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी। ओके
ये बताइए दिव्यांश की रियलिटी शो कितने रियल होते हैं, उनकी रियलिटी क्या है? काफी रियलिटी शोज में मैंने कोशिश की इनिशियली जब छोटा था, जी और बहुत आगे तक भी पहुंचा सारेगामा पर। 2018 में मैं टॉप 24 तक जी पहुंचा, हाँ बट मुझे वहां जाके ये समझ में आया कि कॉम्पिटिटिवनेस एक म्यूजिक के क्षेत्र में मुझे नहीं पसंद है, तो मैं उस चीज को परस्यू नहीं करना चाहता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन शोज की बुराई करूंगा, वो बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों को प्लेटफॉर्म देने का, और काफी हद तक जो हम रियलिटी शोज देखते हैं वो सच में वहां पे जो शूटिंग्स होती हैं, क्योंकि मैं खुद हिस्सा रहा हूँ, जी तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि वहां पे जो भी हो रहा है वो सच में सच्चाई है वो। जी कहा जाता है कि मुंबई जो है कभी सोता नहीं है, चकाचौंध वाली जो नगरी है, जी दुनिया है, तो उसका एक डार्क साइड भी होता है। यानी कि कई बार सुनने में आता है कि जो एस्टेब्लिश स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं या हीरोज हैं, वो तो दूसरों न्यू कमर्स को आने नहीं देते, ऊपर उठने नहीं देते। कितना सच है? देखिए, किसी का अगर पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए सच्चाई हो सकती है, जी क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है ये चीज़, तो मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को। जी जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि छोटे स्तर पे ही कंपटीशन हो रहा है, बड़े स्तर पे सब कोलाब्रेशन कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं, जी और जो आपके लेवल के होंगे, जो आपसे किसी उसमें इनसिक्योर होंगे कि आप उनसे वो चीज़ ले सकते हो, जी वही आपसे शायद कॉम्पिटिशन करेंगे। जो लोग खुद एस्टैब्लिश हो चुके हैं, खुद बहुत अच्छा जिंदगी में एक मुकाम पा चुके हैं, वो कभी भी आपको रोकेंगे नहीं, अप्रिशिएट ही करेंगे। मैं जिनके साथ भी मैंने काम किया है, बड़े लोगों के साथ, बहुत एक माता पिता जैसा ही प्यार मिला उनसे, तो जी मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को कि कहीं भी कोई गेट ब्लॉकिंग या वैसा काम कर रहा है। ये बताइए कि करियर के हिसाब से कितना सेफ है इस फील्ड में करियर बनाना, क्या कहेंगे आप? म्यूजिक एज अ करियर उतना ही सेफ है जैसे कि कोई दूसरा बिजनेस है। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है कि म्यूजिक बिजनेस कैसे किया जाता है, इसलिए लोगों को लगता है कि काम थोड़ा सा फाइनेंशियली इनसिक्योर है। पर आप जैसे कोई दुकान भी खोलते हो या कोई प्रोडक्ट बेचते हो, वो भी एक बिजनेस है। फर्क यहाँ पे यह है कि आप जब कोई चीज़ को बेचते हो तो आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप ही खुद का प्रोडक्ट है। जी तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, और इन जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना बिजनेस कैसे करना है। जी ये बताइए कि आपने एक फिल्म में भी एज अ सिंगर काम किया है, तो कैसे अप्रोच किया आपने उन्हें या उन्होंने आपको, कुछ उसके बारे में बताइए। मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे जी गुरु हैं, श्री मयूख सरकार जी, जो कि बहुत ही बड़े गिटार प्लेयर हैं और बहुत ही बड़े म्यूजिक एजुकेटर हैं, तो उनके थ्रू वो मुझे विशाल भारद्वाज जी के पास लेके गए, जी और वहाँ उन्होंने मुझे सुना, और काफ़ी पहले भी उनके साथ काम किया, जी और वहाँ पर जाके मुझे ये अपॉर्चुनिटी जी ये बताइए, गुलजार साहब का भी एक गीत आपने गाया है, तो जी। वो क्या स्टोरी थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। लॉकडाउन नया नया लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, जी और विशाल भारद्वाज जी का, विशाल जी का एक आइडिया था कि उन्हें अलग अलग जगहों से जो उनके साथ काम करने वाले म्यूजिशियंस हैं जी उनको लेकर एक गाना करना है, और गुलजार साहब की ये नज्म थी, धूप आने दो, ओके, तो क्या जो आप 2 लाइन सुनाएंगे? धूप आने दो, धूप आने दो, धूप आने दो, धूप आने दो। मैं बहुत लकी हूं कि गुलजार साहब के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की, और गुलजार साहब के साथ मेरे गुरु मयूख सरकार जी, विशाल भारद्वाज जी, रेखा भारद्वाज जी के साथ मुझे जी इस गाने में काम करने मिला। जी और वीबी म्यूजिक का, फॉर्चुनेटली वीबी म्यूजिक का ये फर्स्ट रिलीज था, जी और काफी सारे न्यूज चैनल्स, काफी सारे सेलिब्रिटीज, इवन अमिताभ बच्चन जी ने भी इसको शेयर किया। थैंक ओके, ये बेहद ही खूबसूरत और आपकी आवाज में और सुंदर हो गया यू सो मच। जी। तो इसके अलावा अब तक की आपकी अचीवमेंट्स और क्या रही? अचीवमेंट्स वैसे तो काफ़ी काफ़ी कुछ हैं अलग अलग फील्ड में, जी जैसे कि हमारे जो लोकल पंजाबी महासंघ है और एमपी के जो पंजाबी साहित्य अकेडमी है, जी उन्होंने मुझे रिसेंटली फेलिसिटेट किया एज अ अपकमिंग एंड प्रॉमिसिंग यूथ। टीवी चैनल्स में जैसे स्टार प्लस में
नमः लक्ष्मी नारायण नाम से एक सीरियल आता था, उसका टाइटल सॉन्ग गाया मैंने, और भी बहुत बड़े बड़े चैनल्स के लिए, रेडियो स्टेशंस के लिए जी गाने किए। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मैंने एक कैंपेन किया, हर घर तिरंगा का, जो बड़ी कि प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खुद पोस्ट किया, तो एक बहुत ही बड़ा बात है, अचीवमेंट है मेरे बिल्कुल लिए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि आप लिखते भी हैं तो किस जी तरह के गीत लिखना पसंद करते हैं? मेरा हमेशा से जो लिखने की अप्रोच रही है वो ये है कि जो बेसिक थॉट्स हैं लोगों के, उनसे हट के कई कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं लोगों की भावनाओं में, जो वो इजीली शब्दों में नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल जब ये म्यूजिक इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो इसको प्रोग्रेसिव म्यूजिक कहा जाता है, प्रोग्रेसिव रॉक, प्रोग्रेसिव पोस्ट रॉक ऐसे करके। जी मेरा हमेशा से विजन रहा कि मुझे इस जॉनरा का राइटिंग, इस जॉनरा का म्यूजिक हिंदी लैंग्वेज में करना है। लोगों के ऐसे विचार जो इजीली बयान नहीं हो सकते, उनको साफ भाषा में बयान करना। ओके। तो गजलें कितनी पसंद हैं आपको, गजलें बहुत पसंद है मुझे। किसको सुनते हैं आप? सबसे ज्यादा मैं मेहंदी हसन साहब को सुनता हूँ। ओके, तो क्यों ना दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो क्या बात है, हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। थैंक वाह बहुत यू। खूब, क्या बात है। ये बताइए कि अगर यंगस्टर्स हैं जो हमारे जो आज आपको देख रहे हैं, अगर वो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही होगा कि सबसे पहले तो अपना जो आर्ट फॉर्म है उसको एज अ होल सीखें। ऐसा नहीं कि जी मैं सिंगर हूं तो मैं म्यूजिक की थ्योरी को नहीं जानता हूँ, जी या मेरे साथ जो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं मैं उनको जी नहीं जानता हूँ। एज अ सिंगर, एज एन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, आपको अलग अलग विधाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको, अगर आप सिंगर भी हैं, तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए जो आपको ये नॉलेज दे सके कि आप जब म्यूजिक कर रहे हैं तो आपके साथ क्या क्या हो रहा है। दूसरी चीज, आप म्यूजिक में अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अपना म्यूजिक बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जो बाहर के दूसरे देशों के म्यूजिक स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है म्यूजिक बिजनेस के नाम से, जो लोगों को इस फील्ड में अपना करियर कैसे सस्टेन करना है वो बताते हैं। क्योंकि पैसा और फेम इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। आप म्यूजिक जी करते हैं, अच्छा म्यूजिक करते हैं, आपको पैसा मिलता है, फेम मिलता है, जी लेकिन आप कितने लंबे समय तक म्यूजिक को कर सकते हैं, जी ये आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ही सिखाता है। जी आप म्यूजिक के अलावा और दिव्यांश के क्या शौक है? म्यूजिक के अलावा मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी शो के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घूमने के पैसे मिल रहे हैं। जी और जब मैं घर पे रहता हूँ तो मुझे चेस खेलना, चेस देखना बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा आउटडोर स्पोर्ट्स तो नहीं पसंद, जी यूजुअली पुरानी फिल्में, वर्ल्ड सिनेमा, ये सब देख के मैं अपना टाइम बिताता हूँ। कुछ चीज़ें पढ़ते हुए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत पसंद है, जी तो वो भी पढ़ता रहता हूँ। चलते चलते कोई गीत जो आपके दिल के बेहद करीब। मैं अपना गाना जो मेरे लेबल से, मेरा खुद का एक छोटा सा लेबल है पिंकी रिकॉर्ड्स नाम से, मैं उसका सबसे पहला रिलीज गुनगुनाना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। लम्हा लम्हा कोना कोना देखो जो मैं तू है यही, सहमा सहमा खोया खोया बैठा हूँ मैं यहाँ पर कहीं। बहुत ही खूबसूरत गीत और आपकी आवाज़ वाकई बहुत थैंक यू अच्छी, सो मच। मैंने, मेरे पास शब्द नहीं है आपके बोलने के लिए। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर आवाज़ है आपकी।
ये बताइए, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप अगले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपका विजन क्या है, कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप? जैसे कि आज की दुनिया, आज का जो दौर है, जी अब म्यूजिक बहुत ग्लोबलाइज हो गया है। जी अब ये मैटर नहीं करता कि आप किसी फिल्म में गा रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में गा रहे बिल्कुल, हैं, प्राइवेट या अपना, एल्बम्स हैं या हाँ, यूट्यूब पे। जी चाहे वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है। तो मैं जी चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने मन का म्यूजिक रिलीज कर सकूँ, जी और चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, और उस म्यूजिक को लेके अपने बैंड के साथ, जिन लोगों के साथ मैं म्यूजिक करता आया हूँ, जब जी करना चाहता हूँ, उन लोगों को लेके नेशनली और इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकूँ, खुद के शोज कर सकूँ, और जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, पर मैं एक नेशनल स्तर पे कर रहा हूँ, बट मुझे उसे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है। जी बिल्कुल, तो हमारी सी टाइम्स की पूरी दुआएं हैं आपके साथ, थैंक यू सो मच। आप अपने आप को जहां देखना चाहते हैं आप बहुत जल्दी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और थैंक यू सो हमारे मच। सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे दिव्यांश मेहता जी से, जो कि सिंगर हैं, कंपोजर हैं और राइटर भी हैं, और काफ़ी अच्छी उन्होंने बारीकियाँ हमें बताई हैं। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।